फाइनली अभी अपन द्वारका दिस गया, लेकिन बैड लक से क्या द्वारका दिस में क्या है, मैं दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि मंदिर 10:50 में खुला रहता, बंद हो गया, और हमें जहाँ तक पता था कि मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है, लेकिन अभी चलते हैं। अब अपन जाएंगे द्वारका दिस, तो एक बार बोलते हैं श्री कृष्ण महाराज की जय। मेरे को लग रखी है थोड़ी सी भूख, तो अभी क्या अपन द्वारका दिस जाने से पहले थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ की बेड़े पूड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप देख सकते हो मैं अंदर गया अभी बेड़े पूड़ी लाने, तो अभी बेड़े पूड़ी लाएगा फिर अपन बेड़े पूड़ी खाएंगे। गाइस यहाँ पे मतलब पूड़ी रहती है, पूड़ी में सब्जी रहती है, तो उसके यहाँ पे बेड़े पूड़ी बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऐसे मैं खा के देखता हूँ, अभी टेस्ट करके बताऊँगा आपको कैसा लगा है। गाइस देख सकते ये रहा बेड़े पूड़ी, अभी खा रहे हम बेड़े पूड़ी खा रहे हैं, और यहाँ पे फेमस है ना मैं अंदर गया, इसके बाद जलेबी भी है क्या इनके पास, जलेबी ले लेते हैं और बाद में ले लेंगे जलेबी, पहले ये खाते हैं। इनके पास नहीं है ना वो पड़ा है ना यार, तेरे को दिख नहीं रहा वो रहा, जलेबी ले लेंगे पहले ये खा लेते हैं। तो बेड़े पूड़ी खा के देखते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं, काफ़ी अच्छा होगा ऐसे देखने में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई ये देखो जलेबी आ गई बेड़े पूड़ी के साथ, पूरी मैं अंदर वो तीखी लग रही थी क्या, भूख लग रही अरे सही है जलेबी ना, मिर्ची भी लग रही थी देखो, जयपुर टाइप की है बनती जयपुर में। हाँ भाई बंदे हो गया, तीखी भी लग रही थी इतने में। तो फाइनली हमने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करके अब थोड़ी हमें तसल्ली मिली यार, अब थोड़ा मतलब सही लग रहा है क्या भाई, मतलब बोला ही नहीं जा रहा था उस समय से। हाँ खराब हो गया, महेंद्र को ज़्यादा ही भूल रहे थे मेरे को, तो फिर भी मामला सही था, महेंद्र को ज़्यादा ही मामला गड़बड़ हो गया था। तो फाइनली हमने बेड़े पूड़ी और जलेबी खा ली है, और अब यहाँ का अपन ने दर्शन भी कर लिया, आपने दिखा दिया, हम मन चंगा हो गया हमारा। अब गाइस जब अपन आगे चल रहे हैं सीधे द्वारकाधीश मंदिर, तो चलते हैं गाइस, ठीक है अच्छा महेंद्र। अपन द्वारकाधीश मंदिर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी तगड़ी भीड़ है गाइस, अभी अपन अंदर चलने वाले हैं मंदिर में, चल के दर्शन करने वाले हैं। आप देख सकते हो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी अपन चलते हैं, कहाँ इधर से रास्ता इधर से है, हर हर महादेव राधे राधे, इधर से सामने से आगे बोलो गाइस, तो देख सकते हो कितनी तगड़ी भीड़ है। अच्छा महेंद्र भाई राधे राधे, हर हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर हर महादेव। गाइस देख सकते हो भक्तों की कितनी तगड़ी भीड़ है, और अभी अपन जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, ये देख सकते हो भक्तों की कितनी भीड़ है द्वारकाधीश मंदिर जाने के लिए। अब यहाँ से क्या है अपन मुश्किल से 100 मीटर है, तो 100 मीटर क्या अभी अपन पैदल चलने वाले हैं, और हम द्वारकाधीश मंदिर पहुँच चुके हैं, अभी अपन अंदर चलेंगे, अंदर चल के दर्शन करवाते हैं आपको, और हम भी दर्शन करते हैं। बस अपन थोड़ी देर में ही कुछ क्षणों में अपन मंदिर पहुँचने वाले हैं, बस अपन आ ही गए हैं। ये देख सकते हो मंदिर, भक्तों की भीड़ कितनी तगड़ी जा रही है, बस अपन गए 2 मिनट में कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं मंदिर की, अपन पहुंच ही गए हैं लगभग, तो मंदिर की जा रहे हैं दर्शन करने, चलो 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 महेंद्र, भीड़ गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, द्वारकाधीश गया, लेकिन बैड लक से क्या द्वारकाधीश में क्या है, मैं दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि मंदिर 10:50 में खुला रहता, बंद हो गया, और हमें जहाँ तक पता था कि मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है, लेकिन अभी दर्शन हो नहीं पाया, मंदिर क्या 3 बजे वापस खुलेगा, तो गाइस अभी क्या है हमारे पास थोड़ी टाइम की भी कमी है, तो 3 बजे अपन रुक नहीं पाएंगे, तो फिर अपन अभी यहाँ से पास में अपने को बताया, पास में यहाँ से पड़ता है विश्राम घाट है यमुना जी, तो गाइस अभी अपन वहाँ चलते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, और वहाँ पर शायद बोटिंग भी होती है, तो अपन बोटिंग का भी आनंद उठाएंगे, तो चलते हैं गाइस, बोलते हैं द्वारकाधीश महाराज की जय। जो है ना अक्षय नवमी भी है, तो उसके लिए आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो अभी मैंने पता किया, तो यहाँ पे एक अंकल ने हमें बताया कि ये मथुरा की परिक्रमा लग रही है, तो क्या है पूरे मथुरा की परिक्रमा लग रही है, तो उधर से क्या अपने वहाँ से चालू होती है, और यहाँ से जन्मभूमि के साइड से शायद चालू होती है, और इधर पूरा मथुरा की परिक्रमा लगती है, तो उसमें गाइस देख सकते हो आप कितनी तगड़ी भीड़ है, आज क्या खतरनाक भीड़ है, इसमें क्या काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है, इतनी भीड़ में क्या ब्लॉक
बैठने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है गाइस, लेकिन हम फिर भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं किसके लिए, आपके लिए। तो गाइस फिर चलते हैं अपन सीधे विश्राम घाट की, और इसी रास्ते से होते हुए